पैसों का लालच देकर ठगी करने वाले 30 साइबर ठग गिरफ्तार। जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। नो पुलिस ने देश के कई राज्यों में साइबर ठगी करने वाले साइबर ठगों के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। जो इस मामले में पुलिस ने लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। नो जिले के साइबर थाने के SHO विमल कुमार ने बताया कि हरियाणा की DGP शत्रुजीत कपूर के आदेश पर जिले में सभी थाने, चौकियों और CIA स्टाफ द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 80 सिम और 60 फोन बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में ये कई जगह ठगी करते थे, जिनकी शिकायत मिली है और उसकी जाँच की जा रही है। SHO विमल कुमार ने बताया कि तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, गुड़गांव सहित देश के कई राज्यों में ये लोगों को पैसों का लालच देकर और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, फेसबुक पर सामान बेचने के लिए ऐड देकर और सामान डिलीवर करने के लिए लोगों से पैसे डलवा लिया करते थे और उन्हें सामान नहीं देते थे। SHO ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिबिंब ऐप के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसके माध्यम से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया है वो लगभग 5वीं या 7वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं, जो पैसों के लालच में आकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं आरोपी ज्यादातर नू जिले की राजस्थान बॉर्डर पर बैठकर ये काम करते थे और ठगी कर राजस्थान भाग जाते थे। राजस्थान पुलिस के माध्यम से भी ऐसे आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरा सुनिए। हम कार्रवाई चली हुई, लगभग 30 के करीब साइबर अपराधी हमने पकड़ लिए हैं। कुछ को हम आज पेश कर रहे हैं, कुछ को कल करेंगे और ऐसे ही अभी रात तक देखो और ऑपरेशन में कितने पकड़े जाते हैं। जैसे भी जो सूचना होगी हम PRO के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। इनकी माने तो इनका कहना है कि साइबर ठगी के मामले में पूरे जिले की पुलिस काम कर रही है और जल्दी ऐसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।